हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो आपने थंबनेल एंड टाइटल तो देख लिया होगा कि आज आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप जैसे भी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोटो को आप वहाँ पर ले जा रहे हो, तो वहाँ पर स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा और यहाँ पर कुछ ही टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने शो हो रहा होगा और आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो, तो यार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और बिल्कुल मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में अपडेट आया ना, उस अपडेट के कारण इस टाइप का प्रॉब्लम सभी दोस्तों को देखने के लिए मिल रही है। बट बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम फिक्स हो रही है और बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रही। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है वही इस वीडियो को देखना, और आपके दोस्तों को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, यार वीडियो को अब तक लाइक नहीं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटे ना उसको कर देना ऑल में, ताकि यार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और प्लीज़ यार अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, आपका एक लाइक है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्केचबुक एप्लीकेशन को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार हमको क्या करना चाहिए ताकि हम जब भी फोटो एडिट करें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू एंड कैंसिल वाला आइकन है, नीचे देख सकते हो। तो आप कंटिन्यू में जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है और आप सोचते हो कि यार अब हम क्या करें। बट आपको कंटिन्यू नहीं करना दोस्तों, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देख ही सकते हो, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा स्किप, ठीक है। स्किप में आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। स्किप में आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना होगा, ठीक है। ठीक है, देख ही सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने स्किप में क्लिक किया तो हमारा जो स्केचबुक एप्लीकेशन है ओपन हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके स्केप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर कैंसिल वाला आइकन आ जाएगा, तो उसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर बिल्कुल फोटो को एडिट कर सकते हो। फोटो को कैसे लाना है वो चीज़ भी आप देख लो। यहाँ पर आपको जाना है बॉक्स वाला आइकन में, बॉक्स वाला आइकन में जाने के बाद आपको इम्पोर्ट इमेजी में क्लिक कर लेना होगा। इम्पोर्ट इमेजी में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, तो आपको इस वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा फर्स्ट में। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आप फोटो सेलेक्ट कर लेना जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, फोटो आ चुका है। आई होप मेरे प्यारे से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।